दोस्तों, आज मैं आपके लिए मधुमक्खियों के बारे में रोचक और दिलचस्प जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को 90,000 मील यानी धरती के 3 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। फैक्ट नंबर टू, मधुमक्खियाँ 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। फैक्ट नंबर थ्री, मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में 50,000 से 60,000 मधुमक्खियाँ होती हैं, जिनमें से एक रानी मधुमक्खी होती है। फैक्ट नंबर फोर, शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मंडराकर रस निकालना होता है। फैक्ट नंबर फाइव, ये नृत्य के जरिए आपस में बातचीत करती हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक होती है और यह एकमात्र मधुमक्खी है जो अंडे देती है। फैक्ट नंबर सेवन, एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक मादा मक्खी होती है जिसे रानी भी कहते हैं, दूसरा नर मक्खी और तीसरा फल फूलों से रस चूसकर एकत्रित करने वाली श्रमिक मक्खियाँ। फैक्ट नंबर एट, नर मक्खी का काम केवल रानी मक्खी को गर्भ धारण कराना होता है। जब गर्भ धारण हो जाता है तो नर मक्खियों को काम करने वाली मक्खियाँ मार डालती हैं। फैक्ट नंबर नाइन, गर्मी के दिनों में एक रानी मधुमक्खी हर दिन 2500 अंडे देती है। फैक्ट नंबर टेन, पुरुष मधुमक्खियों का आकार काम करने वाली मक्खियों से बड़ा होता है, लेकिन इनके पास डंक नहीं होते और ये काम भी नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 11, आयुर्वेद चिकित्सा में शहद को एक उत्तम औषधि माना गया है। यह गले की खराश, पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा रोगों में अत्यधिक लाभकारी होता है। फैक्ट नंबर 12, इसमें एंटीसेप्टिक के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग जलने, कटने और घावों को भरने में किया जाता है। फैक्ट नंबर 13, मधुमक्खी के डंक के जहर का उपयोग कई बीमारियों के उपचार के रूप में किया जाता है, जिसमें गठिया और उच्च रक्तचाप शामिल है। फैक्ट नंबर 14, शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, शहद का रंग जितना गहरा होगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। फैक्ट नंबर 16, इंसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन का काम पिछले 4500 सालों से किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 17, मधुमक्खियाँ पिछले 15 करोड़ सालों से एक ही तरीके से शहद बनाती आ रही हैं। फैक्ट नंबर 18, हमारे द्वारा खाए जाने वाला लगभग 1/3 भोजन मधुमक्खी के परागण का ही परिणाम है, क्योंकि परागण की वजह से ही फूल से फल बनते हैं। फैक्ट नंबर 19, मधुमक्खियों की जन्म से ही शहद बनाने की कला नहीं आती, बल्कि यह काम छत्ते में उन्हें पुराने मधुमक्खियों द्वारा सिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 20, मधुमक्खियाँ प्रति सेकंड 200 बार अपने पंखों को हिलाती हैं। फैक्ट नंबर 21, मधुमक्खी एकमात्र प्रकार की मक्खी है जो डंक मारने के बाद मर जाती है। फैक्ट नंबर 22, मधुमक्खी के शरीर में 2 पेट होते हैं, एक खाने के लिए और एक फूलों का रस एकत्रित करने के लिए। फैक्ट नंबर 23, एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल 1 चम्मच शहद में से उसका 12वां हिस्सा शहद ही उत्पादन करती है। फैक्ट नंबर 24, एक छत्ते में हर साल लगभग 25 से 45 किलो शहद का उत्पादन होता है। फैक्ट नंबर 25, ये मक्खियाँ एकमात्र ऐसा कीट है जो मनुष्यों द्वारा खाए जाने योग्य भोजन पैदा करती है। फैक्ट नंबर 26, प्राचीन मिस्र में लोग शहद से अपने करों का भुगतान करते थे। फैक्ट नंबर 27, पाषाण युग की गुफाओं में मधुमक्खी पालन के प्राचीन चित्र मिले हैं। फैक्ट नंबर 28, सर्दियों के दौरान कुछ श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते को गर्म रखने का काम करती हैं, जहां वे 35 डिग्री के अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए अपने शरीर को कंपन करते हैं। फैक्ट नंबर 29, मधुमक्खियां अपने पेट पर एक विशेष ग्रंथि में मोम का निर्माण करती हैं, जिसे वे फिर मधु रखने के लिए मधुकोश बनाने के लिए चबाते हैं। फैक्ट नंबर 30, एक श्रमिक मधुमक्खी अपने शरीर के वजन के 80% के बराबर पराग ले जा सकती है। तो ये थे मधुमक्खियों के बारे में 30 अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।